सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए, सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लेना है और स्क्वायर लेके उसमें हमने कोई भी कलर भर देना है व्हाट्स एवर, और उसको यहाँ से क्लिक करके इसको वहाँ से करेंगे। इसके बाद इसके साथ हमने क्या करना है कि इसको शिफ्ट के साथ इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है कर्वचर टूल, कर्वचर टूल ये देख लें, क्लिक करना है और इस कर्वेचर टूल की मदद से शेप को आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इस तरीके से। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं पहले सेलेक्ट कर लें इसको करो, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये दोनों पॉइंट इस तरह का शेप आप इसको से निकाल लेना, सही। जब शेप निकाल ले तो आप इसको क्लिक करके छोटा कर लें और यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ रख लें और ऑल्टर के साथ उठा के इसको यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्लिक करके इसको शिफ्ट के साथ ऐसे रख लें, एक का डायरेक्शन टॉप पर रखें, एक की डायरेक्शन नीचे रखें, ठीक है। फिर क्या करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें और ग्रुप करने के बाद यहाँ से क्लिक करके डिस्टॉर्ट पे जाके ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर जाइए और यहाँ से आप इस पर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करें। अब यहाँ पर कॉपीज थोड़ी सी बढ़ा लें, पहले एंगल बढ़ाएं थोड़ा सा, देखें ये देखिए कितना एंगल रखना है हमें इसका, 17-18 का रख के देखते हैं। यहाँ से कॉपीज बढ़ाइए तो ज्यादा हो गया, एंगल कम कर लेते, ये मच बेटर है, सही। और उसको क्या करेंगे, ओके, देन ऑब्जेक्ट में जाके इसको कर दें एक्सपेंड अपीरियंस, एक्सपेंड कर दें एंड फिर क्या करें, कंट्रोल सॉरी कुछ भी ना करें, क्लिक करें, दोबारा जाएं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करें और फिर साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करें, जैसे 80 कर दें, थोड़ा सा अभी भी इंगेज हो रहा है इसके साथ, 75 कर दें और इंगेज हो रहा है, तो आई थिंक ये सही है 75। फिर इसका कॉपीज बनाएं, फिर इसको एंगल दे जरा, सही, एंड ओके कर दे। फिर इसको एक्सपेंड कर दे, एक्सपेंड अपीरियंस कर दे और फिर इस पर आप अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट्स। तो ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करना है, जिस कलर का चाहो शेड बना लो, जैसे लाइट ग्रीन ले लो, फिर थोड़ा डार्क ग्रीन ले लो, फिर उससे ज्यादा डार्क ग्रीन ले लो, ठीक है। तो ये देखिए शेड निकल आया। अब इसमें लाइट थोड़ा कम ज्यादा करना है, क्लिक करके यहां से कलर्स में से HSB को ले ले, इस तरह से अप्लाई कर दे इसको, तो ये रेडियल में अप्लाई करेंगे तो ऐसा बनेगा, लीनियर में अप्लाई करेंगे तो ऐसा बनेगा, सही। शेड्स लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट अप्लाई होंगे। रेड कलर में बनाए रेड कलर में बना लें, आपकी मर्जी, ये देखें इस तरह का बन गया। अब क्या करना है, अब एक इसमें हल्का सा जैसे इसके शेड्स के साथ ग्रे भी निकालना है, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल शिफ्ट वी करें, ये हो गया पेस्ट इन प्लेस। उसके बाद ये ग्रे शेड इस पर डालें। अब इस पर डार्क ग्रे सिर्फ हमें करना है कि लाइट ग्रे डालना है, ठीक है, और अगर हल्का हो सकता है तो थोड़ा सा हल्का कर दें इसको, सही। अब इस पर क्लिक करें,
थोड़ा इसको इनलार्ज करें, तो एक तो ये डिजाइन बन सकता है, वरना इस पर राइट बटन दबाएं, सेंड टू बैक कर दें, फिर पिछले वालों को क्लिक करें, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, तो इस तरह का पैटर्न ये ऐसे निकल के आ सकता है।